दैनिक चालू वार्ता, एक पाऊल सत्याच्या शोधात, साथ तुमची, काम आमचं। चुनाव गलत बात है इनके हिसाब से। एमसीडी के अंदर 15 साल इन्होंने जम के लूटा, लूटने के सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए। गिनीज बुक वालों की मीटिंग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम आने वाला है गिनीज बुक के अंदर, एमसीडी का और बीजेपी वालों का। शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। 15 साल के अंदर इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लूटने के बाद जब जनता में त्राही त्राही मच गई, लोग दुखी हो गए 15 साल के इनके शासन के बाद, और जनता ने मन बना लिया कि इस बार इनको मजा चखाएंगे और गुस्सा जाहिर करेंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि हम आज शाम को 5 बजे, 9 तारीख को, 9 मार्च को शाम को 5 बजे आज चुनाव की डेट्स की घोषणा की जाएगी। 4 तारीख को प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन जाता है, चिट्ठी जाती है चुनाव कमिश्नर को, चुनाव रद्द कर दो। पूरी दुनिया के अंदर आज तक ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे चुनाव कमिश्नर को फोन करके और चिट्ठी लिख के कहते हैं कि चुनाव रद्द कर दो। इसलिए ये नफरत करते हैं बाबा साहब अंबेडकर से। ये कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर नहीं होता तो जनतंत्र नहीं होता इस देश के अंदर। कल एक बीजेपी का बड़ा नेता मिला, बोला जी मैंने तो अपने बीजेपी के बड़े नेताओं को बोल दिया ये चुनाव वुनाव का चक्कर छोड़ो, एमसीडी में भी एनडीएमसी जैसा कर दो। मैंने कहा इसका क्या मतलब? वो बोले जैसे एनडीएमसी में चुनाव ही नहीं होते, एनडीएमसी में केंद्र सरकार नॉमिनेट कर देती है। बोले जी एमसीडी में भी यही हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय इनका बस चलना इस देश के अंदर सारे राज्यों में और देश में चुनाव कराना बंद कर दें। इसलिए ये नफरत करते हैं, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते हैं ये लोग। बाबा साहब अंबेडकर चुनाव की प्रक्रिया रख के गए थे, इनका बस चले थे चुनाव कराना बंद कर दे। कह रहे हैं हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई करना चाहते हैं। अरे 7 साल थे तुम्हारे पास, सो रहे थे क्या 7 साल से? कहां थे तुम लोग 7 साल से? क्यों नहीं तुम लोगों ने साथ, क्यों नहीं तुम लोग यूनिफाई करने के लिए पैसे चाहिए? क्यों नहीं तुम लोगों ने यूनिफाई किया 7 साल से? चुनाव के 1 घंटे पहले तुम लोग चिट्ठी लिख रहे हो, अब सो के जागे हो कि अब यूनिफाई करोगे? तो यूनिफाई नहीं करना, चुनाव टालने हैं क्योंकि हार रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हार जीत लगी रहती है। कभी ये पार्टी हारती है, कभी वो पार्टी हारती है, कभी आज बीजेपी हारती है, कभी आम आदमी पार्टी भी हारती है, कभी कांग्रेस हारती है। देश बड़ा है, देश की सोचो। आज आम आदमी पार्टी है, कल आम आदमी पार्टी हो सकता ना हो। आज बीजेपी है, कल बीजेपी हो ना हो। आज केजरीवाल है, कल केजरीवाल नहीं होगा। आज मोदी जी हैं, कल मोदी जी नहीं होंगे। कोई बड़ा नहीं है, देश बड़ा है, मुल्क बड़ा है, कौम बड़ी है, समाज बड़ा है। देश को नहीं झुकने देना, देश को नहीं टूटने देना, देश को नहीं, किसी भी हालत में देश पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हम यूनिफाई करना चाहते हैं। इन्होंने एक चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग को कि हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई कर रहे हैं, इसलिए चुनाव टाल दो। चुनाव आयोग ने चुनाव टाल दिया। कल को दिसंबर में गुजरात के चुनाव हो रहे हैं, अब जनता कह रही है ये गुजरात हारेंगे। अब अगर ये गुजरात हारेंगे तो ये 10 दिन पहले चिट्ठी लिख देंगे चुनाव आयोग को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं, इसलिए गुजरात के चुनाव टाल दो। गुजरात के चुनाव टल जाएंगे। अगली बार ये लोकसभा हारेंगे, चिट्ठी लिख देंगे जी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बड़ा खराब है, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ला रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, चुनाव टाल दो, चुनाव टल जाएंगे। क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, नौटंकी कर रखी है इन्होंने। भारत जनतंत्र है, देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला जो इन्होंने नौटंकी कर रखी है। कहते हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी है। फिर भी डर गए तुम लोग? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ। नहीं तो मान लो कुर्ते के नीचे 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ है ये।